राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी और इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण मौर्य जो था उसका लाभ उठा करके नंद वंश को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य राजा बनता है और मौर्य डायनेस्टी शुरू होती है दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री और इसके पहले की जितनी भी डायनेस्टीज़ हम लोगों ने मगध को लेकर के हरियक वंश और ये सब पढ़ी हैं दीज आर एक्चुअली द स्टार्टिंग और यू कैन से द बेस फॉर द मगध लेकिन यहाँ से एक प्रोमिनेंसी जो मगध की है वो दिखाई देने लगती है आफ्टर स्पेशली आफ्टर अशोका ऐसा नहीं कि नंद वंश के वहाँ पद्म कम गौरवशाली था लेकिन अशोक के कुछ और ऐसे काम थे एक्सेप्ट uh, देन जो एम्पायर या एम्परिजम होता है उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण अशोक अशोक बना तो वो सारी चीज़ें मौर्य अम्पायर से हमें शुरू होती हुई दिखती हैं सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से मौर्य शासन ये मौर्य एम्पायर बहुत महत्वपूर्ण है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसको स्टार्ट करना है मौर्य पीरियड इसका टाइम पीरियड एक साथ लिख लीजिए पूरा मौर्य वंश B.C सौ बाईस बी से एक सौ तक एट और सबसे पहले हम इस अम्पायर के सोर्सेज को कोई भी अम्पायर हो बच्चों ऑलवेज स्टार्ट विद द सोर्सेज आप सोर्सेज से शुरू करिए और स्पेशली जब ऐसे अम्पायर हों जहाँ पर लकीली हमें सभी प्रकार के सोर्सेज मिल रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले एक लाइन में लेकिन सोसेस को स्पेशली पी के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सोर्सेज को इग्नोर कभी मत करिए एक बार ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे छोड़ देंगे चल जाएगा बट अगर पीजी के बच्चे हैं तो उनको हमेशा किसी भी आंसर को लिखने के पहले उस डायनेस्टी के सोर्सेज के बारे में ज़रूर बताना चाहिए सो लिटरी सोर्सेज इन दिस पीरियड अर्थशास्त्र ऑफ द एंड द सम बौद्ध लिटरेचर्स लाइक जातक दीपवंश महावंश मतलब कि उस समय जैन बौद्ध जो लिटरेचर्स थे और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो का अर्थशास्त्र था दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें लगभग सारी प्रशासनिक जानकारियाँ उस समय की और किस तरह का मौर्यन समाज था या उस समय की अर्थव्यवस्था थी इसका पता चल जाता है आफ्टर दैट द फॉरन अकाउंट्स मेगस्तनीज इंडिका रिटर्न इन दिस पीरियड बाई मेगास्थनीज जो मेगास्थनीज था वो एक ग्रीक ट्रैवलर था और उसने आ के यहाँ पर इंडिका को लिखा था और इंडिका के फ़ायदा ये था कि इसके द्वारा हमें बहुत सारी वो चीज़ें जो कि शायद प्रशासन बताते समय कौटिल्य से छूट रही थी वो सारी चीज़ें मेगास्नीज़ ने इंडिका में कवर करी आफ्टर दैट इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिकल सोर्स पुरातात्विक श्रोतों के अंतर्गत हम अशोक के अभिलेख इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक को लेकर चलते हैं दे दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें तब ये पता चलता है कि अशोक धम्म को कैसे देखता है अशोक समाज के कल्याण को कैसे देखता है अशोक के दृष्टि में प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है और अशोक की दृष्टि में मानव कल्याण कितना महत्वपूर्ण है और उसका क्या बेसिक इतिहास है वो भी वो अपने चूंकि पूर्वजों को दे रहा है वो भी पता चलता है सो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स एज एज आर्क्योलॉजिकल सोर्स आफ्टर दैट बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ अब सोर्सेज वी आर एबल टू नो द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड तो जैसा कि हमने देखा इन सभी सोर्सेज से हम मौर्य काल के इतिहास को समझ सकते हैं जान सकते हैं तो so, सबसे पहले स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य थ्री ट्वेंटी टू बी सी से टू नाइन सेवन बी सी तीन सौ बाईस ईस्या पूर्व से दो सौ सत्तानवे ईसा पूर्व आफ्टर द अलेक्डर इन्वेशन द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया डिस्टर्ब एंड चंद्रगुप्ता टुक द एडवाटेज एंड विद द विद द हेल्प ऑफ द कौटिल्या ही बिकेम द रूलर ऑफ़ द मगध हमने आपको पहले ही बताया कि सिकंदर के आक्रमण भले ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुआ तो उत्तर पश्चिमी सीमा तो अव्यवस्थित हो ही गई कहीं ना कहीं उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मगध तक आया क्योंकि जैसे वो लोग मगध की सेना और साम्राज्य साम्राज्य को दे के पलटे थे वैसे ही ये भी सिकंदर की सेना और साम्राज्य को और उसके प्रशस्ति गाथा को सुन रहे थे सो so, ये जो अव्यवस्था थी ऑल ओवर ये जो फैली आफ्टर जब वो चला गया तो उसका फ़ायदा सभी ने उठाया और उसमें हमें चंद्रगुप्त तो फ़ायदा उठाते हुए दिखता है विद द हेल्प ऑफ ही गॉट अ ह्यूज एम्पायर एंड विद द हेल्प ऑफ कौटिल्या ही मेनटेन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑल ओवर द रीजन तो उसने आपको जैसा पता ही है धनानंद को हटा करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया और इसको स्थापना में उसको नंदों का एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ और उस साम्राज्य की लिए एक चुनौती ये थी कि नंद खासतौर से धनानंद से प्रजा बहुत ज़्यादा रुष्ट थी और धनानंद को बना हटा करके जब चंद्रगुप्त तो मौर्य आया तो उसको भी नहीं जानती थी इसलिए उससे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू अपीस द पीपुल और इसीलिए उसने एक अच्छा प्रशासन लोक कल्याणकारी प्रशासन यद्यपि सत्ता काफ़ी कुछ अपने हाथ में रखते हुए Uh, सत्ता का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में रखा लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक दृष्टि से उसने कुछ नए सुधार किए जो कि उसके लिए आगे मील का पत्थर साबित हुए चंद्रगुप्त मौर्य प्रोसीडेड टू तो द अप एन एम्पायर विच इंक्लूडेड मॉडर्न बिहार पंजाब सेंट्रल इंडिया बंगाल एंड द अदर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य बना वो लगभग उसके अंतर्गत हम आज का बिहार पंजाब मध्य भारत बंगाल और कुछ हिस्से उड़ीसा के क्योंकि कुछ हिस्से जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बंगाल उड़ीसा का बचा हुआ है उसको पूरा अशोक करेगा तो अभी तक कुछ हिस्से उड़ीसा के जीत चुका है चंद्रगुप्त ऑल्सो डिफीटेड ग्रीक रूलर सेल्युकस निकोटर अपॉइंटेड गवर्नर बाय द अलेक्जेंडर लेटरी सेट ऑफ मेरिटल रिलेशन विद द सेल्युकस सेल्यूकस uh, जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का गवर्नर अपॉइंट करके चंद्रगुप्त गया था और निश्चित रूप से अगर चैलेंज नंदो को दे रहा है चंद्रगुप्त तो इसको भी देना स्वाभाविक था तो उसने सेल्यूकस ने कोटर को हराया और फिर उसने सोचा कि अननेसेसरी हमको चूंकि अभी नंदो की तरफ से भी पूरा प्रशासन वगैरह भी देखना तो उसने फिर सेल्यूकस से मैरिटल रिलेशंस करे जिससे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसका सेफ भी हो गया प्लस उसको एक तरफ से निश्चिंत होकर के पूरा ध्यान मगध में लगाने का मौका मिला चंद्रगुप्त वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस विद ऑल द रिलीजन बट फाइनली एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड अडॉप्टेड स लेखना स लेखना एंड वेन टू द श्रवण विल गोला मैसूर एंड लीव द लाइफ देखिए बच्चों आ, वो बहुत सारे धर्मों का आ, जो था प्रशंसक था और सभी धर्मों के बारे में जानने में रुचि भी रखता था लेकिन आखिरी में आ, वो जो जैनिज़्म से प्रभावित हुआ और भद्रबाहू नामक एक जैनाचार्य थे जिनके प्रभाव में वह मैसूर के श्रवण बेल गोला नामक स्थान पर गया और वहाँ पर सलेखना एक जैन विधि होती है उसके द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया सो दिस इज दट कंप्लीट सिनारी ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत इतनी जानकारियाँ देते हैं आफ्टर दैट बिंदुसार जो उसका पुत्र था उसके बारे में देखिए ई स्टार्टड हिस जर्नी फ्रामू नाइन सेवन टू टू सेवन थ्री बी सी दो सौ सत्तानवे से लेकर दो सौ तिहत्तर ईस्या पूर्व तक बिंदुसार रहा बिंदुसार द सन एंड द थ्रॉन एंड मेंटेन द टेरेटरीज जो टेरेटरी उसको चंद्रगुप्त तो मौर्य ने दी थी उसको पूरा मेंटेन रखा उसने ही ऑल्सो मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्रीज लाइक ग्रीक एंड आज हिम टू सेंड अ ग्रीक फ़िलोसफर उसने ग्रीस के साथ में एक संबंध और ग्रीस और अन्य राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करे साथ ही ग्रीस के फिलोसोफर्स को इंडिया इनवाइट किया क्योंकि इंडिया के फिलोसोफर्स ग्रीस जाया करते थे ड्यू टू फिलासफ़ी दोनों लोग इंटरैक्ट हो रहे थे तो उसने भी इन्वाइट किया एक्सेप्ट द उड़ीसा एंड सम सदर्न पार्ट्स इंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिकेम द पार्ट ऑफ द मॉर्न अम्पायर अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन एट दिस टाइम पूरा उड़ीसा सॉरी उड़ीसा के कुछ भागों को, दूर, भाग, को छोड़ कर के लगभग पूरा उड़ीसा और दक्षिण का दूर दूरस्थ भाग इन दो स्थानों को छोड़कर लगभग सारा भारत जो था वो मौर्यों के पास आ चुका था अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था बिंदुसार के समय में अशोक को उज्जैनी का क्षत्रप नियुक्त तो किया गया था गवर्नर या क्षत्रप नियुक्त सो दिस इज अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द टू प्रोड्यूसिस ऑफ द अशोका चंद्रगुप्त मौर्य एंड द बिंदुसार बच्चों क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं द इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन क्रीम फ्रॉम द अशोका लेकिन फिर भी बिंदुसार पे तो लगभग ना के बराबर आते हैं लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौर्य डायनेस्टी स्थापित कर रहा है और बिंदुसार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वह चंद्रगुप्त तो और अशोक के बीच में आता है सो सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि आप लोग इसको पूरा पढ़ते जाइए एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अशोका इज़ वेरी नियर टू कम सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द अशोका टिल देन थैंक यू एंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए घर में रहिए